कैसा आप सब, मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी का बढ़िया होना जरूरी है। मैं बढ़िया नहीं हूँ बिल्कुल भी, बॉडी वाइज बहुत बढ़िया हो बट मन वाइज बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ। क्योंकि जब आप बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करके आओ और आपको पहली मील खानी पड़े जीरो कार्ब्स, मतलब थोड़ी सी कार्ब्स हैं छोले में बट ये तो ऐसी वाली कार्ब्स में मज़ा नहीं आता है, बट ठीक है। ये है एग्स, ये है हमारा कर्ड, ये है हमारा सोया, ये है टोफू एंड दीज आर दी छोले हैं, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बने हुए, थोड़े से उबले हुए हैं बस। तो ये मील है फर्स्ट मील ऑफ द डे, बट आज हमारे पास थोड़ी सी काब्स हैं। मैं कर रहा हूँ काब साइकिलिंग, भाई बाहर सीटियाँ लग रही हैं सॉरी, तो मैं कर रहा हूँ काब साइकिलिंग। काब साइकिलिंग क्या होता है बेसिकली, जिसमें कि आप एक दिन काब खाओगे, एक दिन ज़ीरो काब खाओगे और रेस्ट वाले दिन आप मीडियम काब खाओगे। अब जिस दिन मेरी काब्स हैं, जैसे कि आज मेरी काब्स हैं, तो आज मेरी कितनी कितनी काब्स खा सकता हूँ मैं, 200 grams ऑफ काब्स खा सकता हूँ, मतलब जो कि बहुत ही कम है बट ठीक है। और ज़ीरो काब्स वाले दिन मैं सारे सोर्सेज हटा देता हूँ, तो बस जो वो सोर्सेज बचते हैं काब्स के, जैसे कि मैं कोई प्रोटीन खा रहा था उसके साथ 1 या 2 gram खा के, तो 40 grams से नीचे नीचे ज़ीरो काब्स वाले दिन काब्स रहते हैं। तो ये सिनेरियो है फिलहाल, तो इसे खाते हैं और मिलते हैं आपसे। आज का वर्कआउट भी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर वर्कआउट ओरिएंटेड व्लॉग है। हाँ जी, तो गाइस इस दिन की सबसे हेवीएस्ट मील रेडी हो चुकी है, द ओट्स मील, और मेरी फेवरेट मील, क्योंकि जिस दिन काब्स होते हैं ना, मुझे या तो पराठे खाना पसंद है या तो ओट्स खाना पसंद है, बट पराठे डाइट में ऐड नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलरीज एंड बहुत ज़्यादा काब्स और फैट्स, बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छे नहीं होते एज एन हेल्थ के लिए, डेली बेसिस पे खाने के लिए। तो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार खा लेता हूँ, बट ओट्स इज द थिंग जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये 200 ग्राम्स ऑफ ओट्स हैं, 2 scoops ऑफ वे प्रोटीन, स्टीविया और 40 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर, तो ये खाएंगे। और इसके बाद जो आज वर्कआउट है, वर्कआउट शोल्डर्स चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन वाला वर्कआउट है आज, मज़ा आ जाएगा। सो गाइस दिस इज द टाइम फॉर द थर्ड मील, और थर्ड मील है थोड़े से एग्स भी बना के रखे हुए मैंने अपने, ये रात के बचे हुए, अब रात के लिए खाऊंगा। तो दिस इज द टाइम फॉर थर्ड मील, थोड़े से एग्स, यानी कि ये 3 या 4 एग वाइट्स होंगे। अब इसमें व्हाट आई हैव टू डू इज, ये भी मैं अपनी सारी सब्जी कुक करके रखता हूँ, दिस इज टोफू एंड मेरा थोड़ा सा सोया, तो इसमें थोड़े से छोले डाल लिए हमने, और इसमें थोड़ा सा कर्ड डाल के इस मील को खिचड़ी की तरह बना के खा लेंगे। और यही होगी हमारी प्री वर्कआउट मील। वैसे तो काब्स भी जा रखे हैं 2-2.5 घंटे पहले, और इसको डाइजेस्ट होने में मुझे मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगता है। फिर 9 बजे मैं जिम चला जाऊँगा, अभी इट्स करेंटली 8, 9:30 जिम चला जाऊँगा। सो गाइस ऑल रेडी फॉर द जिम, बट आजकल मैंने एक चीज़, मेरे को आपको बतानी थी कि मैंने एक चीज़ ऐड कर रखी है, मतलब टोटल हेल्थ बेनिफिट्स वाली चीज़ जो होती है, ये है हमारा मोरिंगा पाउडर। कंपनी को मत देखो, आप कंपनी कोई सी भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, प्रमोशन नहीं है, बट दिस इज़ द मोरिंगा पाउडर, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके, आप इंटरनेट पर देख सकते हो, और आप बोलोगे तो अगली वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूँगा। बट ये रहा, देखने में बहुत ही वाहियात, ये पीने में उससे भी ज़्यादा वाहियात, बट क्या करें, बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट, ये तो मेजर फिटनेस हो गया, फिटनेस इज़ ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस, इंजॉइंग एंड ईटिंग हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट ज़्यादा अच्छा करता नहीं है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो इसे खाते हैं और इसे पीते हैं एंड देन जिम चलते हैं फटाफट, ठीक है, जिम चलते हैं। सो फाइनल गाइस वी हैव रीच्ड द जिम, और जिम में आ गए हैं, थोड़े कपड़े वपड़े उतारते हैं और वार्म अप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बट जैसे ही थोड़ा सा आई विल बी वार्म्ड अप तो ठीक हो जाऊँगा। और लो इसलिए फील कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मतलब बेसिकली आई डोंट नो, बट कुछ डाइटिंग है, कुछ मेंटल स्ट्रेस और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वी ओवरकम, आई वर्कआउट, आई फील हैप्पी। तो अभी चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको एक्सरसाइजेस, और सारा एडवांस लेवल का वर्कआउट है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो एडवांस ना हो, सब कुछ एडवांस, सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड, वेट मिनिमम बट कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम। सो गाइस
वर्कआउट स्टार्ट कर लिया, करने का टाइम आ गया। अब अभी वार्म अप शुरू हो गया, वार्म अप पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने अभी, बट वेट्स के साथ वार्म अप करूँगा। तो पहले चेस्ट से शुरू करेंगे। चेस्ट में वी आर डूइंग इंक्लाइन प्रेस सबसे पहले स्मिथ मशीन के साथ। मैं स्मिथ मशीन या फिर डंबल्स प्रेस, डंबल्स प्रेफर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आज हम स्मिथ मशीन के साथ करेंगे। मोर कंट्रैक्शन, मोर स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे ताकि हम एक चेस्ट में अच्छा फाइबर जनरेट कर पाए, एक अच्छा कंट्रैक्शन जनरेट कर पाए। तो चलो आपको दिखाते हैं वर्कआउट। सो दीज आर द वार्म अप सेट्स व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ। फिलहाल इंक्लाइन प्रेस, बबल प्रेस। तो थोड़ा सा हाथ खोल लेते हैं भाई ढंग से, उनमें इश्यूज क्रिएट होंगे। ज़्यादा रेप्स नहीं करने बस। ओके ओके, द फर्स्ट सेट भाई पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील करना है, आज कॉन्ट्रैक्शन वाला वर्कआउट है। कॉन्ट्रैक्शन उसे डेड कर दिया मुझे इस वक्त, I'm fucking dead. एक सेट हुआ है। ओह फक भाई, की इज द कॉन्ट्रैक्शन, वेट कम करो और कॉन्ट्रैक्ट करो। माय थर्ड इंटेंस सेट, सारे सेट्स इंटेंस, सेकंड सेट में तो फटी गई थी, थर्ड इंटेंस सेट। Without taking the rest, again on the set. So it's time for the stringer, guys. So guys, it's the next exercise, the second exercise for the chest. It is advanced level exercise है, क्योंकि जो foreign के gyms होते हैं उसमें तो इसके लिए proper एक dedicated machine है, but Indian gyms में इसके लिए कोई machinery नहीं है। But India अंदर तो जुगाड़ हर जगह चालू है, तो cables पे हमने bench को incline पे set किया है, and cables को from the last third point, मतलब bench से हल्का सा एक point नीचे रखा है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा ये ऐसे आए, पूरा अपर कॉन्ट्रैक्टेड है, और जब हम स्ट्रेच करें तो हमारा लोअर ये स्ट्रेच हो। आपको समझ आएगा, आप कर पाओगे, मैं करके दिखाता हूँ। बट मूवमेंट को बहुत ही स्लो रखना है।
the second set. So, got done with the second exercise. ये सारा खेल ना आपकी कॉन्ट्रैक्शन का है कि हाउ यू कॉन्ट्रैक्ट, हाउ यू स्ट्रेच, चेस्ट इज ऑल अबाउट दैट. तो उस चीज पे ही फोकस करो, ठीक है. एंड चेस्ट इज लुकिंग फिनोमिनल. थोड़ा सा टायर्ड हूँ, बॉडी में भले ही काब्स हैं आज, बट प्रोसेस दिमाग. और एक तो मैं कैफीन इतना नहीं लेता हूँ, यू डोंट बिलीव कि मैं दिन में 200 mg से भी कम कैफीन लेता हूँ दो टाइम वर्कआउट करने के बाद. यानी कि 200 mg से भी कम मैं कैफीन लेता हूँ. बट कोई नहीं, चलो लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट. सेम बेंच पे करेंगे, बट दिस विल बी मोर फोकस्ड ऑन द इंक्लाइंड पार्ट ऑफ योर बॉडी. और ये भी फॉरेन की एक्सरसाइज है, बाहर से इवॉल्व हुई है, बट उनके पास प्रॉपर मशीन है, हम केबल पे करेंगे. फॉर दिस बेसिकली अगर सेम पोजीशन मैंने बेंच को रखा है, बट नाउ यू हम लोग ये ले रहे थे पहले ना डिक्लाइन फॉर्म, जब स्ट्रेच हो रहा था तो डिक्लाइन पार्ट स्ट्रेच हो, बट नाउ इट्स लाइक डम्बल फ्लाई कह लो या मशीन फ्लाई, उनके पास तो मशीन होती है फॉरन में, तो इट्स लाइक डम्बल फ्लाई बट एक टेंशन के साथ, एक रेजिस्टेंस के साथ तो केबल पे ले रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट होके आएगी. तो मैं केबल लगा ली है, वेट अपने अकॉर्डिंग लगाएं कि क्लीन रेप्स आ जाए आपके 12 से 15. Contract, stretch, contract. अब यहाँ इंडियन जिम में प्रॉपरली शर्ट तो उतार नहीं सकते भाई, वो भी एनी टाइम में, तो थोड़ा सा ऐसे ही देख लो. सो द नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट फिलहाल के लिए, मेरी फेवरेट और मेरा फेवरेट कॉम्बो है ये, जो मुझे सबसे ज़्यादा करना पसंद है बेसिकली. तो दिखाते हैं इसमें अपर चेस्ट और डिक्लाइन चेस्ट दोनों का कंक्लूजन और इन्वॉल्वमेंट होगा. सुपर सेट है, Ugh!
गाइस आई एम डन विद द चेस्ट एंड नाउ थ्री एक्सरसाइजेस फॉर द शोल्डर। पहली एक्सरसाइज है केबल लैटरल रेजेस फॉर द रेजिस्टेंस, मतलब ये मैंने अभी अभी ऐड करी है जस्ट केबल लैटरल रेजेस, इनकी बॉडी मैंने बनवाई है तो केबल लैटरल रेजेस हम कर रहे हैं और आपको दिखाता हूँ हाउ वी डू इट इन द राइट वे राइट फॉर्म। सो केबल सेट है एंड नाउ वी हैव टू डू, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने आप को एक साइड बेंड कर लेता हूँ एंड अपने आप को स्ट्रेच करता हूँ एंड मेरा जो हाथ है ना सीधा जाना चाहिए, कोई मुड़ना नहीं चाहिए ताकि पूरा इफेक्ट आए। थ्री फोर फाइव, कोशिश करो थोड़ा सा होल्ड करो। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन शोल्डर चेस्ट एंड ट्राइसेप्स एडवांस लेवल है। तो सेम एक्सरसाइज है बस अभी थोड़ा सा डंबल से ले रहा हूँ और लाइट वेट ही ले रहा हूँ। सो गाइस इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग और एक्सरसाइज आपने पूरी देख ली। थोड़ा सा देखूंगा मैं किसे कैसे एडिट करनी है क्योंकि शूट तो मैंने बहुत सारा किया है बट देखते हैं एडिट कैसे करना है वो मैं देखूंगा। बट ये अभी लास्ट मील चल रही है, ब्रोकली छोले, ये थोड़ी सी घर की चटनी है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, दिस कर्ड, दीज आर द एग्स, दीज आर ऑलमोस्ट 15 टू 16 एग वाइट्स। तो इसे खाते हैं और खा के सो जाएंगे, रात के बज रहे 2:30। Thank you so much for watching this vlog. If you loved it, please give a like, subscribe to the channel and follow me on Instagram, BeFit with Pranjal. I love you all. और आप हाँ मुझे कमेंट में और मैं क्या कंटेंट आपको बता सकता हूँ बना सकता हूँ उसके सजेशंस दे सकते हो। Love you all.